हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान की सियासत में जारी हलचल को मुल्क से बाहर कैसे देखा जा रहा है, इस पर बात करेंगे हम आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, शुरू करते हैं व्यू 360। पाक चीन ताल्लुकात में गहराई आम लोगों के लिए कैसे नई राहें खोल रही है। पाकिस्तान इज अ ह्यूज मार्केट, इट्स अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन। अमेरिका के एवरग्लेड्स नेशनल पार्क की सैर। I think what made this so special is that our guide had grown up in this area. Or entertainment ki duniya se Hollywood highlights. पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। बज़ाहिर मुल्क में जमहूरी निज़ाम जारी है, लेकिन पिछले कई माह से पाकिस्तान जिस सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उससे खित्ते के अहम स्टेक होल्डर्स को क्या तासुर मिल रहा है। इससे पहले कि हम आज के मेहमान से इस मौजू पर बात करें, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की अहम सियासी जमातें इस बारे में क्या कहती हैं। बेयकीनी की सूरत हाल तो है, अनसर्टेनिटी है, और जिसकी वजह से हर एक ये महसूस कर रहा है और मायूस है कि ये क्या कुछ हो रहा है। जब मुल्क में ऐसे सूरत हाल हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये सूरत हाल तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए नुकसानदेह है। देखिए जी, साजिशें कम नहीं हुई सियासत में, हमेशा से रही है और हवा हमेशा से प्रेशर बिल्डअप रहा है, लेकिन कभी भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने किसी किस्म का प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया और हम लोगों ने हर किस्म के जो टेन्योर्स को फेस किया है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, नायब के आगे भी पेश हुए, वी डोंट फील एनी काइंड ऑफ प्रेशर। और मुझे नहीं लगता कि ये जो है हमें किसी चीज़ के खदशात है, ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है अपना टाइम कम्प्लीट करेगा। सिस्टम को कोई खतरा नहीं, सिस्टम के लिए तमाम पार्टियां मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह रोल अदा करेगी सिस्टम को बचाने के लिए। असल में ये अपनी चोरी बचाना चाहते हैं, ये मगरमच्छ के आंसू इसलिए बहा रहे हैं, ये इनकी इन चलाकियों से, इन रोने धोने से मरियम नवाज की या नवाज शरीफ की अब बात नहीं बनेगी। जब सियासी पोलराइजेशन इस लेवल पे पहुंचे जो आज आप देख रहे हैं, तो उसके हालात ठीक नहीं होते, और जब हुकूमत, बैठी हुई हुकूमत इदारों के साथ कन्फ्रंट करेगी, तो उसके भी रिजल्ट पास्ट में आपने देखा अच्छे नहीं हुए। तमाम इदारे अपने अपने हदूद में अपना ही काम करें, और अगर मेरिट के बाला दस्ती हो और आइन के बाला दस्ती हो और इंसाफ का बोलबाला हो, हमारे मुल्क को फिर कोई खतरा नहीं है। तो पाकिस्तानी सियासतदान कहते हैं कि इदारों की बालादस्ती कायम रहे, वो अपनी अपनी हदूद में काम करते रहें, सिस्टम को कोई खतरा नहीं। इस वक्त हमारे साथ हैं अमेरिका में जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली पर काम करने वाले इदारे पॉलीटेक के चीफ स्ट्रेटजिस्ट आरिफ अंसार। आरिफ साहब, वेलकम टू व्यू 360। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आप भी देख रहे हैं, वाशिंगटन के पॉलिसी साज इदारों में इसे कैसे देखा जा रहा है? मैं कहूँगा कि एक लिहाज से जो परसेप्शन है वो तो हमेशा यही रही है कि जो पाकिस्तान में इदारा है, मिलिट्री है, वो उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी अफेयर्स पे, और वो ही शायद अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखेगा। लेकिन ये है कि जो पॉलिटिशियंस भी हैं अपनी जगह पे, जैसा कि रिसेंटली ख्वाजा आसिफ जो कि इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली विजिट किया, एतजाज साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं अब, उन्होंने भी रिसेंटली विजिट किया, तो अपनी उन्होंने जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनकी क्या पोजिशन है ऐसा यू नो लीडर्स ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। तो उन्होंने इसको जो पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली जो चल रही हैं टर्मोइल साइड या सिविलियन साइड पे जो केसेस हैं एटसेट्रा, उसमें उन्होंने उसकी अपनी वजाहत दी कि द गवर्नमेंट हैज बीन थ्रू सिमिलर सर्कमस्टेंसेस इन द पास्ट, और वो कहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं दे शुड नॉट बी वरीड अबाउट
کہ پالیسی ساز ادارے جو پاکستان میں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ کی سائڈ سے جو ہے وہ اٹس اے کنٹینیویشن آف دی سیم. یہی میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں, اور خاص طور پہ جو افغان پالیسی کی امپلیمنٹیشن جس کا راستہ پاکستان سے گزرتا ہے وہ ایک بہت بڑا گلوبل ایشو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے. تو ان پالیسیز کے اطلاق کے لیے, ان کے تسلسل کے لیے واشنگٹن پاکستان میں کس کی جانب دیکھے؟ جی اس میں آبویسلی امریکہ پاکستان کے ساتھ کافی کام کر رہا ہے, اور دے نو ہو ٹو ٹاک ٹو, اور اس میں ان کو پتہ ہے کہ گو ٹو پرسنز کون ہیں وین اٹ کمز ٹو دی سیکیورٹی افیئرز. لیکن ایک کوشش بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم, جب سیکرٹری آف سٹیٹ ٹیلرسن نے ریسنٹلی وزٹ کیا پاکستان میں تو ہم نے دیکھا کہ جو سویلین اور ملٹری لیڈرشپ ہو دونوں وہاں پہ موجود تھی, اور ریسنٹلی جو ہے زیادہ بیانات جو آ رہے ہیں وہ پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے آ رہے ہیں یا فارن منسٹر کی طرف سے آ رہے ہیں on how to approach the emerging scenarios Afghanistan ke vis-a-vis ya other affairs ke mutalliq bhi. تو دیر از اٹمپٹ پاکستان کی طرف سے کہ یونائٹیڈ فرنٹ دکھایا جائے, اور یہ دکھایا جائے کہ دیر از ڈیوائڈ نہیں ہے ملٹری اور سویلین لیڈرشپ کے درمیان جو فورن پالیسی ہے یا افغانستان کے مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ. جی ابھی ہم نے سنا پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کی رائے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سسٹم کا تسلسل ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا, بس ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. پارلیمانی کمیٹی نے بھی متفقہ طور پر پاکستان میں فیصلہ کیا کہ عدلیہ اور فوج پر احتساب کا نیا قانون لاگو کرنے کی ضرورت نہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اداروں میں اس بارے میں طریقہ کار موجود ہے. تو ادارے اپنے اپنے اس میں رہیں دائرہ کار میں, لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ تمام جو مہرے ہیں وہ ایک دوسرے پہ بڑی گہری نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. پاکستان میں پارلیمان کے مقام اور جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں کیا تاثر اس وقت ملتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اگر جو اکاؤنٹیبلٹی کے لاز ہیں ان سے مختلف اداروں کو باہر رکھا جاتا ہے؟ جی اس میں سب سے ایشو پہلے جو ہے گا وہ کریڈیبلٹی کا آئے گا. ظاہری بات ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت ایک پروسیس چل رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, جس میں سویلین لیڈرشپ کے بارے میں کیسز ہیں, کرپشن سے ریلیٹڈ کیسز ہیں, اور وہ صرف پی ایم ایل نون سے نہیں ہیں, ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ بھی ہیں, دوسری پارٹیز سے ریلیٹڈ بھی جو چل رہے ہیں مسائل. تو یہ ہے کہ ایک لگتا ہے کہ ونس دیٹس کلیئرڈ اپ, اگر وہ واقعی چیزیں ہیں اور جو سویلین لیڈرشپ ہے دا میسج دے آر پٹنگ اکراس ان دا میڈیا ایز ویل کہ یہ پروسیس جو ہے یہ ماضی میں بھی ہوا ہے, اینڈ دے آر ناٹ دا کرنٹ سویلین لیڈرشپ وہ وریڈ نہیں ہے اس بارے میں زیادہ. اور یہ خواجہ آصف کے اپنے بیانات ہیں جو انہوں نے یو ایس آئی پی میں ریسنٹلی تھنک ٹینک میں کہتے ہوئے کہے کہ ویل ورک تھرو دس اور دے آر یوز ٹو دس, اور وہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ پارلیمنٹ کو اپنا یہ امیج درست کرنے کے لیے ان چیزوں کو کلیریفائی کرنا پڑے گا, اور اگر وہ یہ کر لیتے ہیں سکسیزفلی تو آبویسلی پارلیمنٹ کا اپنا ایک رول ہے اور وہ اس کو ادا کرے گا. اور اس کے لیے برڈن آپ پارلیمنٹ پہ ڈالتے ہیں بریفلی؟ نہیں برڈن تو شیئر وہ ہے, اب وہ جو پاکستان کا اپنا سسٹم ہے جو وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم تو ہے کہ پرابلم ہے کہ وہ نہیں چلنے دیتے, بٹ دے ہیو ٹو سم ہاؤ ورک دس آؤٹ, اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس بارے میں. عارف انصار صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کی. دہشت گرد تنظیم داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ نیو یارک میں سائیکل سواروں پر گاڑی چڑھانے کا ملزم سیف اللہ سائپوف اس تنظیم سے منسلک تھا. یہ دعویٰ داعش کے النبا نامی ہفتہ وار اخبار میں کیا گیا ہے, تاہم اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں پیش کیے گئے. 29 سالہ ازبک سیف اللہ سائپوف نے منگل کو نیو یارک میں 8 افراد کو گاڑی سے ٹکر مار کر ہلاک کر دیا تھا. سیف اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملہ داعش کی حمایت میں کیا. امریکہ کی وفاقی حکومت نے اس پر دہشت گردی کا الزام عائد کیا ہے, اور اس حملے کی جائے وقوع پر جو ہلاک ہوئے لوگ ان کی یاد میں کل ایک تقریب بھی منعقد کی گئی. میرے خیال میں ایسا کرنا اس حملے کا نشانہ بننے والوں کے رشتہ داروں کے حوالے سے اہم ہے, تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم انہیں نہیں بھولیں گے. اس کے علاوہ یہ دکھانا بھی مقصود ہے کہ نیو یارک اس قسم کے حملے سے کمزور نہیں ہوگا. امریکی صدر کہہ چکے ہیں کہ اس واقعے کے ملزم کو سزائے موت دی جانی چاہیے. اور آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیا کے اپنے پہلے دورے کا آغاز کر رہے ہیں. اگلے 12 روز کے دوران صدر چین, جاپان, کوریا, ویتنام اور فلپینز کا سفر کریں گے. اسے گزشتہ 25 سالوں کے دوران کسی بھی امریکی صدر کا ایشیا کا طویل ترین دورہ قرار دیا جا رہا ہے. اس کے ایجنڈا اور ممکنہ اثرات کے بارے میں دیکھتے ہیں سحر ماجد کی رپورٹ. تجارت اور شمالی کوریا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایشیا اور خاص طور پر چین کے پہلے دورے کے ایجنڈے پر نمایاں ہوں گے. اپنے دورے کے آغاز سے چند دن پہلے ہی صدر ٹرمپ نے امریکہ کے چین کے ساتھ تجارتی خسارے کو شرمناک اور ہولناک قرار دیا.
चीन मिस्टर ट्रंप को कुछ अगरचे महदूद लेकिन ठोस तजारती रियायतें दे सकता है जिससे उनकी मईशत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ताहम चीन का कहना है कि यह खसारा इरादी नहीं। दूसरी तरफ इस दौरे में सदर ट्रंप चीन को इस बात पर कायल करने की कोशिश भी करेंगे कि वो शुमाली कोरिया को उसके जौहरी हथियारों के अजायम से बाज रखने के लिए दबाव डाले। ताहम वाशिंगटन डीसी के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में सदर ट्रंप के इस ट्रिप के हवाले से एक प्रेस ब्रीफिंग में माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया कि ये हिकमत अमली बैकफायर भी कर सकती है। अब सवाल ये है कि अपनी बात सदर ट्रंप किस अंदाज में कहते हैं। क्या वो इम्तनाई जंग पर बात करेंगे क्योंकि शुमाली कोरिया समझौता करने पर आमादा नहीं, या फिर वो अपने हलीफों का दिफा करेंगे या इस मामले को मुबहम रखेंगे। 7 नवंबर को जनूबी कोरिया में नेशनल असेंबली में शिरकत करने के बाद सदर ट्रंप 8 नवंबर को चीन का दौरा करेंगे, लेकिन चीन के इस दौरे में पाकिस्तान और भारत किस हद तक गुफ्तगू का मौजू होंगे। The Chinese response to that has not been to say to the US, don't cooperate with India. They know that the Indians and the Americans are too stubborn. चीन ने अमेरिका से ये भी नहीं कहा कि भारत के साथ तआवुन ना किया जाए। जहां तक पाकिस्तान की बात है, 2009 में साबिक सदर बराक ओबामा ने चीन से जनूबी एशिया में अमन कायम करने के लिए तआवुन की अपील की थी और भारत का इस हवाले से रद्द अमल बहुत मनफी था। सदर ट्रंप को अफगानिस्तान पसंद नहीं और जबकि टिलरसन और मैटिस पहले ही इस मसले पर बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप चीन से इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगे और चीन खुद भी इस हवाले से कोई बात नहीं करेगा। खित्ते के हलीफ ममालिक मायूस हैं कि इस साल होने वाली ईस्ट एशिया समिट में सदर डोनाल्ड ट्रंप शिरकत नहीं करेंगे। जुनूब मशरकी मुल्कों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात अहम हैं, लेकिन सदर ट्रंप की इस अहम इजलास में गैर मौजूदगी उनकी एशिया के साथ तआवुन के लिए संजीदगी पर सवाल जरूर उठाएगी। सहर माजिद, उर्दू वीओए, वाशिंगटन। चीन के एक आला सफारतकार ने उम्मीद जाहिर की है कि साउथ चाइना सी के जजायर पर उसकी अमलदारी से मुतालिक तनाज को अमरीकी सदर उलझाने के बजाय हल करने में मदद देंगे, और अमरीका जो है वो तो चीन की अमलदारी के दावे तस्लीम नहीं करता। दूसरी जानब शुमाली कोरिया के करीब अमरीका के लड़ाका तैयारों की परवाज को प्योंगयांग ने इश्ताल अंगेज और जौहरी जंग शुरू करने की कोशिश करार दिया है। तो अब देखेंगे कि ये दौरा कैसा गुजरता है। भारत का ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान के साथ तजारत का मंसूबा, क्या घाटे का सौदा है? इस बारे में हमारी वेबसाइट urdubioa.com पर एक तफसीली मजमून आप पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर हम दुनिया भर से अहम खबरों के साथ साथ आपके लिए दिलचस्प वीडियोस और फीचर रिपोर्ट्स भी पेश करते हैं। तो जब चाहें लॉग ऑन कीजिए urdubioa.com पर। और पाक चीन ताल्लुकात में गहराई, आम लोगों के लिए क्या नए मौके पैदा हैं, इसके कुछ पहलू हम आपको दिखाएंगे आगे चलकर। और एंटरटेनमेंट न्यूज से भी आपको आगाह करेंगे। पहले देखते हैं कुछ अहम बैन अवी खबरों की झलकियां वर्ल्ड व्यू में। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पापुआ न्यूगिनी में रखे गए 600 पनाहगुजीनों को ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल किए जाने के लिए मुजाहरे जारी हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के हाई कमीशन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को इस इंसानी बहरान को रोकना होगा, जबकि न्यूजीलैंड ने इनमें से 150 पनाहगुजीनों को कबूल करने की पेशकश की है। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक शाम और उसकी इतिहादी फौज ने दीर उजोर में दाइश का मुकम्मल सफाया करके उसका कंट्रोल हासिल कर लिया है। दूसरी जानिब इराकी फौज ने दाइश से शाम के इलाके कायम का कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। स्पेन की हुकूमत ने अदालत से कैटालन रहनुमा कार्लोस पुजडेमोन के इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी करने की दरख्वास्त की है। कार्लोस कैटालोनिया की काबीना के 4 मेंबरान के साथ ब्रसेल्स में मौजूद हैं, जबकि अदालत ने 9 कैटालन रहनुमाओं को बगावत के इल्जाम में जेल भेज दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजरीन ने आलमी हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो बुनियादी हकूक से महरूम बेवतन अफराद को अपनी शहरियत का बुनियादी हक दें। इदारे ने मुतालबा किया कि जरूरी शराइत पूरी करने वाले बेवतन अफराद और बच्चों को उनकी जाए पैदाइश के मुल्कों की शहरियत मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में सीपैक समेत बहुत से तरक्याती मंसूबों में चीन से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स या अमले की मुआवनत हासिल की जा रही है, और अब निजी सतह पर भी पाक चीन दोस्ती के असरात नजर आने लगे हैं। आइए देखते हैं इस बारे में लाहौर से की रिपोर्ट। बैश्ती एक चाइनीज सियाहती ब्लॉगर है जो 65 मुल्क घूमने के बाद पाकिस्तान आया है। खबरों से मुझे ऐसे मालूम होता था कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और कह सकता हूँ कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। यहाँ के लोग
खाने और जगह बहुत अच्छी हैं। अब पाकिस्तान मेरा पसंदीदा मुल्क है। पाकिस्तान सिर्फ चंद दिन के लिए पाकिस्तान आने वाले ही नहीं बल्कि यहाँ मुलाजमत करने वाले अफराद भी पाकिस्तान के बारे मनफी तासरात को झुठलाते हैं। पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमें इसके बारे में असल हकाइक मालूम नहीं कि पाकिस्तान सच में कैसा है, तो मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी। पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक चाइनीज शहरी एरिक ने अपना रेस्टोरेंट बनाया है। अलग जुबान और मुख्तलिफ सकाफत के लोगों में ये उसके लिए किसी रिस्क से कम नहीं था। मेरे लिए यहाँ सब भाई हैं। मुझे यहाँ की सकाफत बहुत पसंद है। मैंने लाहौर में बहुत से चाइनीज रेस्टोरेंट देखे लेकिन वो असल नहीं है। मैं यहाँ असल चाइनीज खाने लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग मेरी तमाम डिशेस खाएं। लाहौर में सजने वाली डिजिटल प्रिंटर्स और साइनिश नामी एक्सपो में चाइनीज खासी तादाद में नजर आए। पाकिस्तानी मईशत भी चाइना की मंडी के जेरे असर है और दोनों मुल्कों का इन्हिसार एक दूसरे पर फड़ता जा रहा है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप विदाउट चाइना या वर्किंग विदाउट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ चाइना आप एक सक्सेसफुल बिजनेस अपना खास तौर पे इन इकोनॉमीज लाइक पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश आप चला सकें। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस सेंसिटिविटी बढ़ी है, तो हमारा जो रिलायंस है ऑन चाइना इट इज इंक्रीजिंग। पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है और हम यहाँ आकर अपनी मशीनरी जरूर फरोख्त करना चाहेंगे। पाकिस्तान एक नई मार्केट है और यहाँ हमारे खरीदार बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए मैं चाइना से लाहौर आई। गैर सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में चाइनीज अफराद की तादाद तकरीबन 4 लाख है जिनका आना जाना पाकिस्तान में लगा रहता है। जंगली हयात और कुदरती माहौल का तहफ्फुज़ हमारी बका के लिए लाजमी है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का एवरग्लेड्स नेशनल पार्क सिर्फ तफरी ही नहीं तहकीक के भी बेमिसाल मौके पेश करता है और ये कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है बल्कि 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ एक बरसाती जंगल है। आइए से देखते हैं माइका मायर की नजर से जो अमेरिका के 300 से ज्यादा नेशनल पार्क्स के रिकॉर्ड साथ सफर पर निकले हैं। नेशनल पार्क्स की सैर करने वाले माइका मायर का कहना है कि एवरग्लेड्स नेशनल पार्क्स जाने के बाद उन्हें ख्याल आया कि जनूबी फ्लोरिडा तरक्की करने से पहले किस तरह का था। एवरग्लेड्स नेशनल पार्क इंतहाई मशहूर कुन है क्योंकि ये दीगर नेशनल पार्क्स के मुकाबले में एक बेतहाशा बड़ा इलाका है। मेरा मतलब है कि ये फ्लोरिडा के तमाम जनूब मगरबी इलाके पर मुश्तमिल है। इसमें शक नहीं कि तामीर और तरक्की से पहले ऑरलैंडो का पूरा जनूबी हिस्सा एवरग्लेड्स की तरह लगता था। जमीन से कुछ ऊंचाई पर इस एहंगा ट्रेल पर माइका ने अनोखे मनाजिर देखे जिसे रिवर ऑफ ग्रॉस कहा जाता है। ये दरख्तों पर मुश्तमिल एक दलदली इलाका है। यहाँ ये परिंदे आपको हर जगह नजर आएंगे। हमने कछुए और गेटर्स देखे, एक ही वक्त में एक ही जगह पर जंगली हयात का एक बड़ा हिस्सा। माइका और उसके साथी एंड्री वार्डन के लिए एक दिलचस्प चीज घंटों तक पानी और दलदल में चलना था। इस हाइक को स्लीव स्लोप कहा जाता है। ये सुनने में गंदा और खौफनाक लगता है लेकिन मैंने नेशनल पार्क्स में अभी तक जो कुछ देखा है इसमें ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है। आप दलदल से निकलते हैं और फिर इसमें धंस जाते हैं, फिर आप पानी में पहुंच जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी और सयारे पर मौजूद हों। पार्क के एक और हिस्से में माइका ने एयरबोट के जरिए जनूबी फ्लोरिडा के मशहूर दलदली इलाके की सैर की। I think what made this so special is that our guide had grown up in this area. मेरे ख्याल में इसकी खास बात ये थी कि हमारा गाइड इसी इलाके में पला बड़ा है और वो इस इलाके के बारे में बहुत कुछ जानता है। गाइड ओजी ने माइका और उनके साथी एंडी को इस इलाके में बांस पौधों के बारे में बताया। ओजी ने माइका को बताया कि किस तरह नेटिव अमेरिकन्स बच्चे की पैदाइश के वक्त स्यू ग्रॉस के जरिए माँ और बच्चे के दरमियान अम्बेलिकल कॉर्ड या नाल को काट देते। माइका ने जो नेशनल पार्क के तहत 400 मकामात की सैर करने के मिशन पर हैं, बताया कि एवरग्लेड्स के किनारे पर उनका बोट टूर दलदली इलाके के इस तजुर्बे का बेहतरीन हिस्सा था। हमने सुना था कि इस सफर के दौरान आपको डॉल्फिन नजर आएंगी और ऐसा ही हुआ। ये बहुत जबरदस्त था। ऐसा बहुत कम होता है कि आप ऐसी जंगली हयात का तजुर्बा कुदरती माहौल में करें जिसका तजुर्बा आपको चिड़ियाघर, टीवी या नेशनल ज्योग्राफिक्स मैगजीन में नहीं होता। ये हकीकत थी, एक हकीकी जिंदगी।
جولی ٹیبو کے ساتھ شہناز نفیس, اردو ویو اے. ہے نا خوبصورت. Well, جوہری ٹیکنالوجی کو توانائی کا آلودگی سے پاک ذریعہ سمجھا جاتا ہے, لیکن امریکہ میں نہ صرف نئے نیوکلیئر پاور پلانٹس نہیں تعمیر کیے جا رہے بلکہ پرانے بھی آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں. اس شعبے سے منسلک خواتین کا کہنا ہے کہ اگر موقع دیا جائے تو وہ اس ٹیکنالوجی کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. 2011 میں جاپان کا فوکوشیما, 1986 میں روس کا چرنوبل اور 1979 میں امریکہ کا 3 Mile آئیلینڈ. ایٹمی توانائی سے منسلک تباہ کن حادثوں کے وہ مقامات جنہیں ناقدین تمام ایٹمی توانائی کے پلانٹس بند کرنے کی وکالت کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تابکاری سے متعلق رسکس بہت زیادہ ہیں. ان خدشات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹمی توانائی کی انڈسٹری اب اپنے سب سے مضبوط حامیوں یعنی نیوکلیئر سیکٹر میں کام کرنے والی عورتوں کی مدد طلب کر رہی ہے تاکہ وہ دوسری خواتین کے رویوں کو بدلنے میں مدد دے سکیں. خواتین اس لیے کیونکہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں ایٹمی توانائی کے فوائد کے بارے میں زیادہ شکوک رکھتی ہیں. کرسٹین زائٹس اور ہیدر میٹیسن کیلیفورنیا کے ڈیابلو کینین پاور پلانٹ میں کام کرتی ہیں اور دونوں نے مل کر مدرس فار نیوکلیئر قائم کیا. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ایٹمی توانائی کے ماحولیاتی فوائد کی تشہیر کرتا ہے. ماں ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کی خاطر ایٹمی توانائی کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ دوسری مائیں اپنی طرف سے یہ کر رہی ہیں یا نہیں, لیکن ہم اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. ان خواتین کا پیغام ہے کہ ایٹمی توانائی خالص ہے اور اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج نہیں ہوتا ہے. انڈسٹری کا خیال ہے کہ اگر خواتین اس مشن کو عام کریں گی تو ان کی بات پر زیادہ یقین کیا جائے گا. یہ دونوں خواتین کانچ کے پینڈنٹس پہنتی ہیں جن کے اندر یورینیم موجود ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں. میں جب پلانٹ میں داخل ہوئی تو مجھے ایٹمی توانائی سے ڈر لگتا تھا. مجھے تقریباً 6 سے 7 سال لگے یہ سمجھنے میں کہ یہ ماحول کے لیے اچھا ہے. میں یہ نہیں چاہتی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اتنا عرصہ لگے. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. مدرس فار نیوکلیئر کا پیغام کچھ نئے پلانٹس کی تعمیر کے ساتھ سامنے آیا. ڈیابلو کینین جہاں یہ دونوں خواتین کام کرتی ہیں سال 2025 تک اپنے 2 ری ایکٹرز بند کر دے گا. یہ کیلیفورنیا میں آخری ایٹمی پاور پلانٹ ہے. ایٹمی توانائی پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس پیغام کو عام کر رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو ایسی ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا جو بنیادی طور پر خطرناک ہے, دانش مندانہ نہیں. ایسی ٹیکنالوجی جو فوکوشیما جیسی حادثات سے نہ صرف ایسی آبادیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو چکی ہیں جو ان کے آس پاس واقع ہیں, بلکہ ان شہروں کے لیے بھی جو ہزاروں میل دور ہیں. امریکہ میں ایٹمی توانائی کا مستقبل کیا ہوگا فی الحال طے کرنا مشکل ہے, لیکن اس شعبے میں خواتین کی سوچ کافی مثبت ہے. مشیل کوئن کے ساتھ سہر ماجد, اردو VOA.